चलिए तो जो पहला सवाल है y इक्वल टू 1/x, तो ये तो हमने बता दिया कि x इक्वल टू 0 पे ये क्या है आपका, वही है डिसकॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 1/x, 1/1 - x, तो साफ सी बात है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। कल्पना, हाँ ठीक है, सबको अपना आंसर मैच करो। हम कर रहे हैं, आप लोग आंसर मैच करो, फाइनली बताना कौन कौन सा गलत है और बस कौन कौन सा गलत है। सही तो ज्यादा ही हुआ होगा ना, एक ही तो गलत होगा अगर होना होगा तो। यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 1, 1 पे क्या है डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मतलब 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा चलो ठीक है, बार बार मैसेज लिंक कर रहा हूँ, चलो ठीक है, चलो अच्छा हम बच्चों का मैसेज यहाँ पोज कर देता हूँ। चलो ये भी हो गया सेट, अब कर दो मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका x²-1/(x+1)। तो यही बात है कि x+1 ≠ 0 होना चाहिए, मतलब क्या है यहाँ से x≠ -1, ठीक है, यहाँ पे x1 नहीं होना चाहिए नीचे वाले पे, -1 मतलब क्या है -1 पे डिस्कॉन्टिन्यूअस है, -1 पे क्या है डिस्कॉन्टिन्यूअस है। अगला सवाल क्या है, अगला है आपका x²-14 (16), x²-16 और अपॉन में क्या है x²-9, तो यही 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ 0 होगा, x=+-3, तो चौथे का आपका ऑप्शन क्या आएगा, प्लस और माइनस 3 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। आसान आसान सवाल दिया था मैंने, तो खाली चेक करना था। पांचवा क्या है यार, 2 sin x - 1 डिनोमिनेटर में, 1/2 sin x - 1 डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो 1/2 कहाँ कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। तो 1/2 मतलब क्या होता है π/6 30 डिग्री, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू n π + -1 का पावर n अल्फा, याद आ रहा है, जहाँ पे n इंटीजर होगा, तो दिस इज द आंसर सर, इतने पॉइंट पे डिस्कॉन्टिन्यूस होगा। खाली π/3 कहाँ बेटा, π/6 होगा भाई बात को, ठीक है, n π/3 नहीं, क्यों, क्योंकि n π/3 वैल्यू क्या होती है, कुछ होती नहीं है, बड़ा रैंडम वैल्यू होता है। n की वैल्यू 3 ले लो, तो n π/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 पे 0 हो जाएगा, 1/2 होगा ही नहीं। तो ये आंसर होता है ना बेटा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स बराबर n π + -1 का पावर n अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्लास 11 में हम लोग बहुत लगाए थे वह सवाल। तो खैर ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। छठा, सिक्स क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्या x²-2x+1 चेक कर लो कहाँ कहाँ 0 होता है। कल्पना सर, π/6 बस लिखने पे गलत हो जाएगा बेटा, π/6 लिखने पे गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन जनरल आंसर नहीं होगा ना। जैसे कोई बंदा ये बोल दे सर मेरा आया है 2π + π/6, बात ये भी सही है भाई, 2π + θ भी साइन थीटा होता है, गलत ये भी नहीं है, गलत तुम भी नहीं हो, गलत क्या है, हालात गलत थे। हाँ तो क्या करना होगा, हालात सही करो, आंसर जनरल दो, आंसर जनरल दो। अब यहाँ पे जो आया भगवान भरोसे, जो आया भगवान भरोसे, सब सही है, ठीक है, एंड रखते जाओ, अपना अपना आंसर पाते जाओ, ठीक है, ये वाला ज्यादा सही माना जाएगा। हम लोग बड़े हो गए ना, हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग जनरल आंसर देंगे, ठीक है, हाँ हम लोग जनरल आंसर देंगे। जैसे बचपन में होता था ना कि अब हटाओ बात नहीं करेंगे, समझ रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या है आपका, x²-2x+1 वाली बात चल रही है यहाँ पे, हाँ तो हम डिनोमिनेटर को कहाँ कहाँ 0 है चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या है, ये तो आपका x - 1 का होल स्क्वायर है शायद ना बेटा, हाँ a²+b²-2ab = 0, मतलब x=1 नहीं होना है, या यू कह लो x=1 पे डिस्कॉन्टिन्यूअस है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भैया, क्लियर कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। 6 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्लियर कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग। अब क्या है सर, अब सातवें पे आओ, सातवां, सातवां क्या कह रहा है सर, सातवां कहता है, सातवां सवाल कहता है कि y=1/x² इतना छोटा कर दिए कि हमको जूम कर देना पड़ेगा, -5x और +6 वही बात यहाँ भी है, क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा x-2 x-3, ये कहाँ कहाँ 0 होगा चेक कर लो, x=2 पे और 3 पे। यार बच्चों समझ में आ रहा है ना, अगर ना आए तो बीच में मैसेज कर देना सर नहीं आ रहा है। हाँ हम कह रहे हैं 2 और 3 पे डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा मेरे होनहार बच्चों, हाँ चलो ठीक है, सबको आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आठवां सवाल क्या है, y=1/x²+1,
गेटिंग, चलो सुखी रहो सुखी रहो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आओ देखते हैं ये कहाँ जीरो होगा। हाँ गौरव बहुत बढ़िया सर, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। क्यों सर? डिनोमिनेटर को देखो ना, डिनोमिनेटर में डिस्क्रिमिनेंट देखो ना कितना है, -3 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करोगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब कोई रूट मिलेगा ही नहीं, कोई रूट मिलेगा ही नहीं, तो सर कभी ये जीरो होगा ही नहीं ना। अगर कभी ये रूट नहीं मिलेगा, रूट सारी इमेजनरी, इसका मतलब कभी कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जीरो बना सके। ये बड़ा स्पेशल क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हाँ है, तो हम क्या कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ये इस एक्स कोई भी रियल नंबर ले लो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है आपका, हर जगह कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नवा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू। नवा सवाल क्या है सर, वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखते हैं क्या, मॉड एक्स स्क्वायर, गुस्साओगे तो नहीं, बात तो एक ही है, ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए मॉड एक्स का। अब देखो मॉड एक्स में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया बच्चा, इसको ब्रेक कर लो कहाँ कहाँ जीरो होगा, वही बात है, इसको टी मान लो, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू क्या आएगा, टी माइनस वन टी माइनस टू। सॉल्व करने के बाद हम लोग यही पाएंगे, बराबर जीरो, बराबर जीरो, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से सर, मॉड एक्स बराबर वन या मॉड एक्स बराबर टू। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस वन, यहाँ से क्या आएगा मॉड आएंगे तो प्लस माइनस टू, चार पॉइंट होंगे, देयर आर फोर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कितने लोग का ये सवाल सही है, कितने लोग का ये सवाल सही है? नवा सवाल का जवाब, देयर आर फोर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, प्लस वन माइनस वन, जिसका सही है वो हाँ लिख दे बस, यस हम समझ जाएंगे, माइंड मेरा मेरा, अरे चलो बढ़िया, अरे सुखी रहो, अरे बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात, हमें उम्मीद भी थी बच्चे हमारे फंसेंगे नहीं मॉड आउट में। हाँ महारत हासिल है सर हम लोग को मॉड का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, आपने इतना स्पेशल फंक्शन करा दिया है सर कि फंस सकते नहीं है। हाँ अगर हम लोग पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि अच्छा पता नहीं क्यों हमें लगता है कि यार हम लोग इतने सवाल किए हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, लॉग पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, हाँ मॉड पे, ये सब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कि सर ये सब सवाल फंसाएंगे तो नहीं, हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो यहाँ तो और भी नहीं फंसेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, गुड निर्मित, बहुत बढ़िया श्रेया बेटा, अच्छी बात है। तो मैक्सिमम बच्चों का सर चार ऑप्शन आया था, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। सर हमको आप लोग आप हम लोग को सिखा क्या रहे हैं, हम आप लोग को सिखा रहे हैं कि सवाल देखते ही कैसे जवाब दे दो सर डिसकॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। अगर इसकी जो मैं सिखा रहा हूँ अगर इसकी पकड़ बन गई तो बड़े बड़े सवाल आप अपने बोर्ड्स के छह छह नंबर वाले सवाल यूं यूं कर दोगे। कैसे कर दोगे, यूं यूं कर दोगे, समझ रहे हो? हाँ लेकिन यूं यूं लिख के मत आना, हाँ वहां पे थोड़ा बढ़िया से लिख के आना। हाँ बदला बदला समझे नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो, मैं क्लिक नहीं किया, आप कहाँ से बात कर रहे हो? गलती से चला गया सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, चलो तो हम कह रहे हैं कि हम लोग सवाल क्या करेंगे, यूं यूं कर देंगे चुटकी बजाते ही। अच्छा से तो बहुत बढ़िया तरीका है आपका, नहीं यूं यूं करा दे रहे हैं तो सवाल को हम कह रहे हैं। हाँ और बड़े बड़े सवाल कर देंगे जो छह नंबर सवाल होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये है दसवां सवाल क्या है आपका, दसवां है y इक्वल टू वन बाय x की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा। अच्छा तो इसको क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें क्या, एक बार बताएं, एक बार बताएं, बताइए सर हम लोग को, इसको ब्रेक कर लेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हाँ बहुत बढ़िया गौरव, कॉन्टिन्यूस गुड, हम लोग को इसका एक्सपेंशन मालूम है, पढ़े हैं हम लोग, दो तरीका बता रहे हैं, दो तरीका बता रहे हैं, ठीक है रुको थोड़ा सा सुंदर कर दें। चादर नीचे निकालना पड़ गया, चलो दो तरीका को बता रहे हैं। एक तो देखो भैया ये है आपका मेंटल जिंदगी, क्या कि सर हमको याद है एक चीज, एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, किसी को याद है जरा हमको लिख के दिखाओ चैट बॉक्स में, एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को
फैक्टराइज करो, या किसी को याद है तो माइक ऑन करके फटाक से बोल दो, अच्छा लगेगा मुझे कि चलो मेरे बच्चों को याद है। x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को और क्या लिख सकते हैं? शिवांगी बेटा, जावेद, गौरव, कल्पना, सुमित, रिश, किसी को याद नहीं है क्या? ओ तेरी सर, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे। नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। कल नाइट में देखो तो नहीं लिखे थे। चलो ठीक है, तो शायद हम लोग ये लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्यों यही होता है इसका ब्रेक करने पे, एक्स के पावर फोर आता है माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब पड़ जाएगा और एक्स स्क्वायर आता है और फिर ये हो जाता है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर पड़ जाएगा, फिर आपका एक्स आता है, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। सर डिफरेंशिएट करने से काम नहीं बनेगा? डिफरेंशिएट करने से नहीं, तो जैसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसके रूट्स कैसे मालूम चलेंगे? इसके रूट्स जानने हैं ना, डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो तो इस कर्व का एक स्लोप फॉर्म मिलेगा, जो कि जीरो अगर करना चाहोगे तो वो जहाँ पे स्लोप जीरो मिला है ये मिल जाएगा। अच्छा, अगर डिफरेंशिएट करने के बाद तो जीरो फाइंड करोगे, वो जो जीरो देगा वो इस कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा देगा, इस कर्व का रूट नहीं देगा, ठीक है, कुछ अच्छी किया बेटा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये यही हो जाएगा आपका, इसका एक्सपेंशन होता है। अच्छा ध्यान दो, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन बहुत महान क्वालिटी क्वेश्चन है और ये भी बहुत नॉन क्वालिटी क्वेश्चन है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है और माइनस थ्री है दोनों का, मतलब ना कभी ये जीरो होगा ना कभी ये जीरो होगा, दोनों कभी जीरो ही नहीं होंगे, इनका प्रोडक्ट कभी जीरो होगा ही नहीं, इनका प्रोडक्ट कभी जीरो होगा ही नहीं, मतलब ये कभी जीरो होगा ही नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो मेरे बच्चों के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर चलो आपको याद था बता दिए, अगर हम लोग को याद नहीं है तो क्या सवाल नहीं कर पाएंगे, हम लोग के बस का नहीं होगा, हम कर ऐसा थोड़ी है पागल, ये तो है मेंटल जिंदगी जो फटाफट करते हैं बच्चे। अब देखो आम जिंदगी, धीमे धीमे हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, इसको लिख देंगे एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, है ना, तो और बैलेंस करेंगे क्या करेंगे, घटाएंगे तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई फोर, ये बहुत होगा सर, जीरो का नेगेटिव तो होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो जीरो प्लस थ्री बाई फोर भी क्या होगा, जब भी होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कभी ये नेगेटिव होगा ही नहीं, कभी ये नेगेटिव होगा ही नहीं, तो और कभी ये जीरो भी नहीं होगा, कभी ये जीरो भी नहीं होगा, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये भी मेंटल जिंदगी है सर, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे कर लें तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये या ये जो भी समझ में आया कर लीजिए, फटाफट करिए तो आगे बढ़ेंगे, हो ही गया होगा आप लोग का, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम लोग कहां पे थे, अच्छा 11वां सवाल क्या है बेटा, तो y equals to 1 upon 1 minus 2 के पावर x, तो बड़ा सिंपल है, 1 minus 2 के पावर x जहां 0 होगा वहीं पे होगा discontinuous, तो 2 के पावर x जब 1 होगा, किसी का पावर 0 ले लोगे तभी 1 होता है, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे क्या है discontinuous है, 0 पे क्या है discontinuous है। आगे बढ़ते हैं, y equals to 1 upon 1 minus e के पावर x minus 1 upon x minus 2, बेटा ये किस किस पॉइंट पे discontinuous है, सारे लोग आंसर दें फटाफट चैट बॉक्स में, इस सवाल में कितने पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आप लोग पाए हो, फटाफट जवाब चाहिए उसको चैट बॉक्स में।
चलो गौरव ने आंसर दे दिया, जावेद ने आंसर दे दिया, फटाफट बाकी बच्चे, निर्मित का भी आंसर आया, वाह सबका आंसर वन आ रहा है, क्या बात है सर, x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू वन पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान लो यही मेरे का सवाल होता तो सबको, मान लो चार नंबर सवाल होता सबको क्या मिलता, सबको मिलता माइनस वन, सबको क्या मिलता, सबको मिलता माइनस वन, बहुत बढ़िया बेटा। अरे सर ये क्या है, अरे दिल पे आप जो है छुरियां चला रहे हो। कल्पना कह रही है सर मेरा नहीं आया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका नहीं आया था तो क्या हो गया। सुमित कह रहा सर मेरा भी नहीं आया था, सुधांशु का वन आया, खैर कोई बात नहीं, जिनका वन आया है वो आधा सही है, 50% सही है, 50% सही है, गलत नहीं है, आपने गलत आंसर नहीं किया सर, हम किए ही नहीं थे। अच्छा तो मतलब यही में सवाल छोड़ गया होगा इसका मतलब है। चलो अच्छा है, तो खैर हम क्या कह रहे हैं, हम मुद्दे पे आते हैं, एक बात ध्यान सुनो, हमसे भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ध्यान सुनो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लेते कहां कहां जीरो है, नंबर एक। दूसरी बात एक चीज एकदम बढ़िया से लिखो, फंक्शन में जो भी वैल्यू, ओरिजिनल फंक्शन में सॉल्व करने के बाद नहीं, फंक्शन में जो भी वैल्यू नहीं, जो भी वैल्यू नहीं, जो भी पार्ट इनफाइनाइट बने, इनफाइनाइट बन रहा हो, किसी भी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर, तो वो सारी वैल्यूज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती है, वो सारी वैल्यूज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती हैं। शुद्ध हिंदी में अंग्रेजी में लिखे हैं, ठीक है, इंग्लिश, हमने इंग्लिश में लिखा है, समझ रहे हो नहीं। हाँ क्या है, फंक्शन में, फंक्शन का कोई भी पार्ट, जो भी पार्ट मतलब फंक्शन का कोई भी पार्ट यदि इनफाइनाइट बन रहा हो, कब, कोई भी वैल्यू लेने पे, तो उस हर वैल्यू पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इसे ध्यान दो, अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो वन माइनस ई का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, जो ई का पावर है ना वो एक्स इक्वल टू टू पे इनफाइनाइट बन रहा है, बोलो आ रहा है, जो ई का पावर है ना वो एक्स इक्वल टू टू पे इनफाइनाइट बन रहा है, बेटा ये एक्स इक्वल टू टू पे भी क्या है मालूम है, ये एक्स इक्वल टू टू पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर आप, हाँ आ रहा है, चलो खुश रहो, हम कह रहे हैं ये फंक्शन जो है ना, देखो ये हिडन पार्ट था, ये यहाँ पे करामाती पार्ट था इसका, ये पार्ट जो है गुलाबी रंग जो घेर दिया मैंने, ये यहाँ अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, चीटिंग है सर। चीटिंग नहीं है, हाँ सिखा रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, हाँ तो ये छुपा हुआ था, ये छुपा हुआ था यहाँ पे, तो अब समझ लो, हमें आपको सिखाना था खाली क्या, कि ये वाली बात, इस बात को आप बादलों में लिखो, इस बात को आप बादलों में लिखो, किताबों की बात नहीं है ये भावनात्मक बातें हैं, हमारे भावनाओं से उठ के तुम्हारे भावनाओं तक जा रही है बातें, ठीक है, किताबों की बातें नहीं है, क्या, कि फंक्शन में अगर कोई भी पार्ट इनफाइनाइट बन रहा हो, ओरिजिनल फंक्शन में, सॉल्व मत करो उसको, उसको सॉल्व मत करो, जो सवाल में दिया गया उस सवाल में पहले चेक कर लो कि कौन कौन सा पॉइंट इनफाइनाइट बन रहा है, तो आप देखो ना एक्स इक्वल टू पे ई के पावर इनफाइनाइट बन रहा है, एक्स इक्वल टू पे ई के पावर इनफाइनाइट बन रहा है, इसका मतलब टू पे भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा, एक्स इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नंबर एक। दूसरी बात, अब डिनोमिनेटर कब जीरो बनेगा, जब ई के पावर जीरो बन जाएगा, जब ई के पावर जीरो बन जाएगा, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू अगर जीरो बन जाएगा तो ई के पावर जीरो वन और वन माइनस वन जीरो, मतलब पूरा फंक्शन इनफाइनाइट, तो जीरो कब बनेगा, जब एक्स इक्वल टू वन बन जाएगा, जब एक्स इक्वल टू वन बन जाएगा, एक्स इक्वल टू वन पे ई के पावर जीरो, मतलब वन और वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो यहाँ पे बेटा टू पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे भैया दो टू पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक क्या, एक है एक्स इक्वल टू टू और एक है एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, तो वन के साथ साथ आपका अगर आंसर वन था तो आपका आंसर टू भी होना चाहिए था, यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है बेटा, हम लोगों ने कुछ सीखा होगा इस सवाल से, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की चाहत है मेरे अंदर, हम चाहते हैं आगे बढ़े,
हो गया। चलिए 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 भैया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, भैया बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर वो कहते हैं सर एनसीईआरटी की तरह लगाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों यार, लिखना बहुत पड़ता है सर एनसीईआरटी में, आप जो बताते हैं उसके बाद सवाल जो है कि यूं यूं जब होने लगता है तो मन में आलस से आता है। बेटा एक बात समझो, अगर बोर्ड में नंबर पाना है तो लिखना पड़ेगा, नंबर एक। हाँ, जब आपको जेई में से एडवांस नंबर पाना है तो वहाँ लिखना मतलब नहीं, खाली गोला बनाना होता है, खाली गोला बनाना होता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए ट्रिक्स काम आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल में अभी हम सिखाएंगे कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। हालांकि हम लोग लिमिट्स में जानते हैं, खाली लिमिटेड निकालना होता है, फिर भी हम सिखाएंगे। सवाल बहुत कठिन है 13वां, सारे बच्चे प्राइवेटली आंसर देंगे मुझको। 13वां सवाल बहुत कठिन सवाल दिया हूँ, क्यों, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन भी है और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी है। अरे बाप रे बाप, सर जरा बताइए ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। सारे बच्चे कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, आंसर भी प्राइवेटली। कल्पना ने आंसर दे दिया, शिवांगी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, जावेद भी आंसर दे दिया, अरे गुड यार। अरे इतना कठिन सवाल है, सब कर लिए क्या? ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन भी है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी है। हाँ, लेकिन तीन ही बच्चों ने जवाब दिया है, मतलब सुमित, सुमित ने भी जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल्पना में सोल्यूशन दे दिया सुमित, निर्मित ने जवाब दिया, सुधांशु कह रहा सर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं बेटा। गौरव, गौरव ने जवाब दे दिया, कल्पना ने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, सबने सोल्यूशन दे दिया, अरे गुड। विनीता ने भी जवाब दे दिया, क्या बात है, मतलब सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। लेकिन पता है इसमें कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया। अब सर वो सही गलत का बात तो आप ही बताओगे, हम करें हाँ देखो ध्यान दो एक मिनट को, उसका स्क्रीनशॉट ले लें किसका, आप लोग के अटेंडेंस का एक बार आप लोग भी ले लीजिए, डाल देना, पकड़ा ही नहीं रहा यार। चलो ये हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। एक सपना है यार कि कम से कम गौरव ने आंसर चेंज कर दिया, चलो ठीक है। एक सपना क्या मालूम है कि यार इस ये जूम पे ना 100 लोग से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ मतलब 100 लोग पे आके रुक जाता है, तो ये 100 लोग करना जिम्मेदारी है आप लोग की, ठीक है, कि कम से कम यार 100 लोग यहाँ हो जाए। हाँ कि आओ देखते हैं, जब 100 दिमाग यहाँ रहेगा तब देखते हैं कि किस लेवल पे फिर पढ़ाई होती है। तो आप लोग काम है कि इसको 100 करिए। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपने जो लिखा है ना ये कुछ नहीं है, ये बल्कि एक्स है भाई। कोई भी एक्स क्या होता है, कोई भी रियल नंबर में कुछ इंटीग्रल पार्ट होते हैं और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जब फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट मिलता है तो रियल नंबर बनता है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। वो लग रहा है कि सर इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक होगा, नहीं ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होने नहीं देगा, दोनों आपस में तालमेल बैठा के चलेंगे। और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, सारे इंटीग्रल पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो जिन बच्चों का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ किसका गलत किसका सही है, क्योंकि वो समझ गए होंगे। अच्छा सर हाँ, ये कन्फ्यूजन था मेरे अंदर, ठीक है। तो ध्यान दो, ये याद भी रखो, जी एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। और ये हर पॉइंट पे क्या है, वो है वही है, हर पॉइंट पे क्या है वही है, क्या कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल कर लिया, कौन क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलो अच्छा आंसर तो फटाफट प्राइवेटली फिर से देखते हैं कितना तो सही है। 14 है आपका y इक्वल टू 1/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। गौरव ने आंसर दे दिया बहुत तेजी से, गुड। ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, सारे बच्चे, केवल एक बच्चा दिया है गौरव, इस बार सारे बच्चे सोच रहे हैं कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। सुमित का आंसर आ गया, और कोई, अच्छा भैया और कोई, ये धोखा देने वाला सवाल है। अच्छा हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि अगर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, मतलब फंक्शन इनफाइनाइट, तो फंक्शन वहां वहां क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है।
लेकिन हमने ये नहीं बोला कि अगर इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। बहुत फंक्शन ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट नहीं बनते हैं, उसके बावजूद भी वो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही ले लो। सर लग रहा है कॉन्टिन्यूस है पर कभी जीरो नहीं होगा। चलो अच्छा, ये बात तो तुम्हारा अच्छा लगा जावेद। हाँ लेकिन कॉन्टिन्यूस शायद नहीं होगा ये। हाँ अब सर भगवान जाने, आप जाने, आप ही बताइए कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। देखो भैया सुनो, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए बच्चों। देखिए इतना मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सर हर इंटीग्रल पॉइंट पे जीरो होता है। हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है? जीरो होता है, बोलो हाँ। और इसकी वैल्यू जीरो से वन तक होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो से वन तक होती है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक होता है तो माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस वन से जीरो तक होगा। बोलो आ रहा है, घूम गया, इनइक्वालिटी घूम गया। माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद दो जोड़ दो, जब दो जोड़ोगे तो ये वन हो जाएगा और ये दो हो जाएगा। रिसीप्रोकल ले लो, रिसीप्रोकल लेने पे भी इनइक्वालिटी घूम जाती है तो टू वन बाय टू बन गया, वन वन बाय वन मतलब वन ही बना और ये इधर आ गया। इधर ये नहीं है यार, यहाँ पे दो जोड़ने पे यहाँ इक्वलिटी नहीं लगेगी ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। अब देखो ये मैंने घुमा दिया, ठीक है, ये मैंने अब रिसीप्रोकल ले लिया तो क्या हो गया? वन अपॉन टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कहाँ कहाँ तक आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू और लेस देन वन, लेस देन वन। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा दिखाऊं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे वन, ग्राफ कहाँ बनेगा? वन बाई टू से वन, वन बाई टू। रुको यहाँ पे लिमिट आते हैं, गंदा लग रहा है। सुंदर ग्राफ बनाते हैं ना, सुंदर ग्राफ बनाते हैं, सुंदर सा ग्राफ बनाऊंगा। रंग बदल देते हैं, पीला ग्राफ। ध्यान दो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये 1 बाई टू से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा। आइए दिखाते हैं, ग्राफिकल टच देते हैं थोड़ा सा। हाँ मेरा फेवरेट तरीका है क्या ग्राफ से बताने का, मुझे ग्राफ बड़ा मजा आता है क्योंकि ग्राफ अगर दिखाए तो मुझे लगता है बहुत सही, मैंने सब कुछ दिखा दिया। तो ग्राफ जो बनेगा आपका इसी के बीच में कन्फाइंड रहेगा, किसी किसी बीच में, वन के बीच में, वन के बीच में, और वन बाई टू के बीच में। ग्राफ जो बनेगा इन्हीं के बीच में बनेगा, ठीक है। अच्छा कैसा बनेगा? सुनो सुनो, हाँ वो गुड, मजा आया। देखो 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 अब ग्राफ कैसा बनेगा, आइए दिखाते हैं। x इक्वल टू जीरो ले लो, x इक्वल टू जीरो पे हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा, मतलब हर इंटीग्रल पॉइंट पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हम कह रहे हैं हर इंटीग्रल पॉइंट पे फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, तो मालूम है हमको, मतलब हर अगर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा मतलब हर इंटीग्रल पॉइंट पे वाई कितनी जाएगी? वन बाई टू, मतलब जीरो पे वन बाई टू, आइए आइए वन पे वन बाई टू, टू पे वन बाई टू, टू पे वन बाई टू, वन पे वन बाई टू, थ्री पे वन बाई टू, फोर पे वन बाई टू, फाइव पे वन बाई टू, सिक्स पे वन बाई टू, सारे इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ हो जाएगा वन बाई टू। बोलो आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हम, हाँ अब सर वैल्यू बढ़ाइए, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ। देखो जब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो टू माइनस, सुनना कहानी सुनना बड़े ध्यान से सर, कैसे सुमित सर 7 बजे से केमिस्ट्री क्लास है, कैसे जाएंगे हम
ऑफलाइन हो जाएंगे। क्या हुआ? रुक जाओ जाओ अभी कमेटी क्लास, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, ये मुद्दा खत्म होने दो पहले। हाँ अभी मुद्दा खत्म होने दो, ठीक है, और लिख दो ग्रुप में, लिख दो सर एक मुद्दा फंसा हुआ है, एक मुद्दा फंसा हुआ है, 6 मिनट बाद क्लास लीजिएगा, ग्रुप में लिख दो सर प्लीज, सर कैसे जाएंगे हम ऑफलाइन हो जाएंगे। क्या बोल रहा है सर? बोले उत्कर्ष सर कि उनके मैसेज का वेट करो। हाँ तो ठीक है, हम क्या कह रहे, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो, मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं है सर ऑब्जर्व करें क्या, हम कह रहे नहीं ऑब्जर्व मत करो ठीक है, लेकिन समझाना ना, समझो तो, हम कह रहे हैं कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वैल्यू अब अगर बढ़ाओगे, जब 0 से 1 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, घटेगी, 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, ये जब 0 होगा तो वैल्यू 2 होगा, जब वैल्यू ये 1 हो जाएगा, लगभग लगभग 1 हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब क्या है, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, मतलब ये वाई की वैल्यू पूरी 1 की तरफ जाएगी, 1/2 से 1 की तरफ, तो जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा कर्व होगा लेकिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपॉन में है ना, कर्व होगा लेकिन, लेकिन जैसे ही, जैसे ही हम 1 तक पहुंचेंगे, जैसे 0.9 पे क्या आएगा, 0.9 पे 0.9 आएगा, 2 में 0.9 घटाओगे तो पॉइंट कितना आएगा, 1.1 आएगा, मतलब लगभग 1 आएगा, मतलब वैल्यू क्या होगी, लगभग 1 के पास आएगी, लगभग 1 के पास आना चाहेगी, लेकिन जैसे ही 1 पे आओगे, जैसे ही 1 पे आओगे वैल्यू गिर के कहाँ आ जाएगा, फिर से शिवांगी बेटा फिर से 1 पे आ जाएगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे ये बनना चाहेगा, फिर टूट जाएगा, हर इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक हो गया, हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, आप देख सकते हो, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है हर इंटीग्रल पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं कि हर ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस ही हो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो बहुत से ग्राफ डिनोमिनेटर 0 ना बनने के कारण भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीस वाइज फंक्शन लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमने ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझा दिया कि साफ साफ देख लो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है हर इंटीग्रल पॉइंट पे, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है आखिरी, लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स सर इसका जो इनइक्वालिटी सॉल्व करवाया है वो थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा भैया समझा रहे भैया, देखो जावेद मियां हम क्या कह रहे हैं, मैसेज कियो क्या, मैसेज कियो तुम लोग, क्लास इज ओवर, आदित्य उत्कर्ष ये क्या है, ये स्क्रीनशॉट अपना डाले हो क्या? नहीं यार, और तुम लोग 12th में हो ना, 12th वाले स्क्रीनशॉट 12th में डाले हैं, चलो ठीक है सुखी रहो। हम क्या कह रहे हैं कि जावेद बोला सर एक बार और समझा दो, जावेद देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ बोलते रहो, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी घूम जाएगी, 1 इधर आएगा 0 उधर जाएगा, बोलो हाँ ठीक है, अब सब में 2 जोड़ दो, ये सर 2 क्यों जोड़ रहे हो, सवाल सवाल का डिमांड है भैया, जब 2 जोड़ दोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 2 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसी ब्रोकर लोगे इनइक्वालिटी घूम जाएगी, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ये आएगा इधर और ये जाएगा उधर, ठीक है, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ऐसा बन जाएगा। हम क्या कह रहे हैं इसका जो रेंज है, हमने इसका रेंज निकाल दिया कि ये पूरा यही पूरा क्या है, यही पूरा वाई है ना, यही पूरा वाई है, मतलब वाई क्या है, वाई आपका सर 1/2 से 1 के बीच में है, मतलब ग्राफ यही में खेलेगा, कहाँ से कहाँ तक 1/2 से 1 में खेलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, अब ग्राफ बनाते तो हमने क्या दिखाया, हर इंटीग्रल पॉइंट पे देखो ये वैल्यू क्या है, 1/2 है, और जैसे ही 1 के करीब इंटीजर करीब बढ़ोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9, मतलब लगभग लगभग वैल्यू बन जाएगा, ये वैल्यू बढ़ के 1 तक जाना चाहेगा लेकिन बन नहीं पाएगा, 1/2 से 1 में खेलेगा ग्राफ ऐसे ही, हर इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलो सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आज का, आज का आखिरी सवाल, हाँ तो ये आखिरी सवाल क्या है, लॉग मॉड एक्स, तो गौरव कह रहे हैं सर कॉन्टिन्यूस होगा, हम कह रहे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सवाल भैया वाई इक्वल टू log mod x, एक बार बताओ उसको fx मान लो, fx मान लो, तो fx क्या है आपका, log mod x, f ऑफ माइनस x क्या होगा सर, यहाँ x से वहां माइनस कर देंगे, अच्छा log में माइनस का कोई मतलब होता है क्या, मॉड में कोई मतलब होता नहीं है, तो फिर से log mod x बन जाएगा, मॉड में माइनस कोई मतलब होता नहीं है, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो fx बराबर f ऑफ माइनस x आ गया, fx बराबर f ऑफ माइनस f ऑफ माइनस x आ गया, एफ एक्स बराबर f ऑफ माइनस x, मतलब फंक्शन इवन है कि ऑड है, फंक्शन इवन है कि ऑड है, फटाफट फंक्शन इवन है कि ऑड है, लिख नहीं पा रहे हैं फटाफट,
एक बच्चे का आंसर आया। हाँ चलो ठीक है, सुखी रहो। फंक्शन इवन है, अच्छा फंक्शन इवन है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस की अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री। अगर फंक्शन इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस की अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री। आंसर नहीं आया, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। चलो सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे, दिल जीत लेते हो। देखो और ये क्या हो रहा है, this is your x axis, this is your y axis, log mod x, even function है, even function है, तो जैसा जैसा बनेगा y के right side, ऐसा ही graph होता है, वैसा ही बनेगा, भले ना बन पाए बात की बात है, लेकिन वैसा ही बनेगा y के left side, मान लो जैसा right side वैसा left side है, तो कहाँ infinite हुआ, zero पे, तो इस बार जीरो पे डिस्कस करेंगे, और जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, लॉग मॉड एक्स इज डिस्कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, साफ साफ ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, सुखी रहो बेटा, क्या रहोगे, सुखी रहो, सुखी रहो, और तुरंत निकल लो, जाओ सब कोई निकल लो। हाँ और मेरी एक बात बताओ यार, तुम लोग 100 बच्चे पढ़ो यार, प्लीज इसको 100 करो ना, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, उसमें खेलो नहीं, निकल लो फटाफट। सभी बच्चों को आज नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी लोग को जो है भगवान शंकर जो है आशीर्वाद दें कि इंडिया टॉप करो। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, और पढ़ते रहो। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।